नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। ये वीडियो जो खास करके प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, ये उनके लिए है। अब देखिए, प्रेमी प्रेमिकाएं वो आप एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन माता पिता के लिए तो आप बहुत बच्चे ही हैं उनके। यानी माता पिता तो अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उन्होंने हर एक वो संस्कार अपने बच्चों को दिया होता है जिसके दायरे में उनको लगता है कि ये बच्चे कभी भी हमारी ज़िंदगी में सारे सामने खड़े होकर के कोई भूल नहीं करेंगे, क्योंकि सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी होती है हर किसी के जीवन में। और फिर हम एक युवा पीढ़ी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, आप लोग प्यार के बंधन में हैं, ज़रूर बंधिए आप, लेकिन प्यार है क्या? क्या आपने इसको समझने का कभी प्रयास किया है? प्यार त्याग है, प्यार समर्पण है, प्यार एक दूसरे की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्यार एक दूसरे की तरक्की है। यानी अगर एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और दूसरा उसका साथी बहुत खुश है, प्रसन्न है उनकी तरक्की से, ये प्यार है। ये प्यार नहीं है कि आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये प्यार नहीं है आप जीवन में सीढ़ियां चढ़ने के बजाय आप और बैकफुट पे जाते जा रहे हैं, ये प्यार नहीं है कि आप दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, ये प्यार नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, यानी जेलस फील कर रहे हैं, उन्हें कहीं भी जीवन में आगे ना बढ़ने दें। देखिए, ज़बरदस्ती जब भी प्यार को पाया जाता है वो स्वार्थी प्यार होता है। जब भी प्यार ईमानदारी से निभाया जाता है वही प्यार होता है। तो प्यार को ईमानदारी से निभाएं, यानी एक दूसरे के साथ एक पिलर की तरह खड़े हों, एक दूसरे के जीवन में तरक्कियां लेकर के आएं, एक दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर के आएं, एक दूसरे के जीवन में बहुत सारे धन की बौछार हो, ऐसा उसके लिए एक रास्ता तैयार करें, और साथ के साथ दो परिवारों का सर प्राउड से ऊपर उठे, ऐसा कुछ करके दिखाएं, तो तभी तो माने कि वाकई ही ये सच्चा प्यार है, ना कि स्वार्थ से भरा हुआ प्यार। राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था, एक समर्पण भाव था जिनका आज भी जिक्र हर जगह किया जाता है, जिनकी आज भी मिसाल हर जगह दी जाती है। दबाव प्यार नहीं होता, जबरदस्ती कुछ हासिल करना प्यार नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप निस्वार्थ प्यार करते हैं तो ही आपका प्यार जो है परवान चढ़ता है, और ये खुशियाँ लेकर के आता है आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए एक प्राउड का मूमेंट लेकर के आता है। लेकिन अगर ये तनाव का रूप ले ले तो आपकी ज़िंदगी को ये अस्त व्यस्त भी कर सकता है, और आपके परिवार वालों की सभी की खुशियों को छीन सकता है, आपकी खुशियों को छीन सकता है। ये एक मैसेज था सभी बच्चों के लिए। और अगर जेन्युइनली आप एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, आप दूसरों का नुकसान कभी नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये प्यार आपका ताउम्र ऐसा ही प्यार बना रहना चाहिए, निस्वार्थ प्यार बना रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक इज्जत और सम्मान की भावना रखता हो, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को कभी भी नुकीली चीज़ें, यानी यो काटे वाली चीज़ें होती हैं, जब काटने वाली चीज़ होती है, जब आपको लगता है कोई चुभने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसी कभी भी चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट में नहीं देनी है। हर शुक्रवार को आप एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कर सकते हैं, लेकिन उस पर इत्र छिड़का हुआ होना चाहिए, खुशबूदार गुलाब होना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी आप एक दूसरे से मिलें या बात करें, या आप एक दूसरे के प्रति सम्मान लेकर के एक दूसरे के समक्ष सामने कहीं खड़े हों, तो आपके दिमाग में हमेशा ऐसी छवि होनी चाहिए, यानी राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए अगर आप एक दूसरे को उपहार देते हैं तो यकीन मानिए आपका प्यार परवान भी चढ़ता है, और साथ के साथ आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके पूरे परिवार की रिस्पेक्ट आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार ऐसा ही हो,
तो इन उपायों को ज़रूर कर लें, लेकिन फिर हम कहेंगे दबाव कभी भी प्यार नहीं होता, और निस्वार्थ प्यार करें। स्वार्थ से भरा हुआ प्यार है या दूसरों को तकलीफ देता हुआ प्यार है तो ये प्यार नहीं होता। जितनी जल्दी इस प्यार से आप बाहर निकल जाएं तो तरक्की, खूबसूरत तरक्की आपका रास्ता देख रही होती है। आप अपने जीवन को खुशियों से भरा बनाएं, ना कि तनाव से भरा हुआ। हमारी यही शुभकामना है, आप सदा सुखी रहें, खुश रहें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव जो इंसान होते हैं, जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, वो दूसरों का नुकसान कभी नहीं चाहते। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।